अभी जासूस इसका ट्रेलर मैंने भी देखा है, सुपर ट्रेलर है। उसमें विद्या मैम ने 12 अलग अलग वेश बदले हैं। मजबूरी कोई नहीं देखा लाल जी, बॉबी जासूस में मैं एक जासूस का किरदार अदा कर रही हूँ। बॉबी हैदराबाद की लड़की है, वो मिडिल क्लास लड़की है और जासूसी उसके लिए एक पेशा है, एक पैशन है, और वो छोटे मोटे कैसे सॉल्व करती रहती है। उसके लिए उसे भेस भी बदलना पड़ता है, पर उसके पापा उसके काम से बहुत नाखुश हैं, पर उसकी मम्मी उसे हमेशा सपोर्ट करती है। जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाती है और केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पर बॉबी बहुत ही जिंदादिल लड़की है और वो आखिरकार सफल हो जाती है। यही है बॉबी जासूस की कहानी। और मैं चाहती हूँ कि आप सब बॉबी जासूस देखें, मुझे लगता है बहुत मजेदार फिल्म है। 4 जुलाई को रिलीज हो रही है, देखेंगे ना सब? आपकी मूवमेंट लगे रहो मुन्ना भाई, क्या बात है, मैंने 5 बार देखी है। मैंने बात तो आपकी इतनी बार देखी है कि पूछिए मत। हाँ मैम, और मैंने आपकी भूल भुलैया तो बहुत बार देखी है। अब मैम मेरे क्वेश्चन है तो परिणीता जो आपकी पहली पिक्चर थी, होए होए देख के मजा आ गया, बहुत ही रोमांटिक हो गई जी। आपकी शादी की साइड इफेक्ट जो पिक्चर थी उसमें बहुत अच्छी आई। और ये पिक्चर की आप बिल्कुल हमको फ्री टिकट मत देना, क्योंकि हमने सपना वचन लिया है कि हम अपना पैसा वाला टिकट खरीद करके थिएटर में जाएंगे और पिक्चर थिएटर में ही देखेंगे। क्या बात है जी, थैंक यू। चलिए चलिए, पिक्चर देखकर हम सारे साथ जाएंगे। मेरा मतलब है हम सारे सोसाइटी वाले साथ जाएंगे, तो आप भी चलना हमारे साथ। विद्या जी आपकी इश्किया में भी कितनी अच्छी एक्टिंग थी। अरे इश्किया क्या लगे रहो दुर्गा भाई, क्या भाव, क्या परिणाम, क्या मतलब, किसी फिल्म का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। आप तो अभिनय की मतलब क्या देवी हो, बिल्कुल देवी हो। इसलिए अब आपको पता चल गया होगा कि हम गोकुल धाम निवासी आपके कितने फैन है और आपकी फिल्मों के दीवाने हैं। गलत गलत मत है सर, अरे सिर्फ गोकुल धाम निवासी नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरा इंडिया, तो इंडिया नहीं मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया आपकी एक्टिंग के पीछे पागल है। कि गोकुल धाम सोसाइटी वाले जिनके फैन होते हैं उनकी पूरी दुनिया फैन होती है। गोकुल धाम सोसाइटी वाले और मेरे बीच एक और कॉमन चीज है, आपकी सोसाइटी का नाम भी गोकुल धाम सोसाइटी है। चीफ गेस्ट बन जाएंगे विद्या जी, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता।